मेरा हौसला करो। नहीं है हौसला भाभी मेरे अंदर, कहां से पैदा करूं? खुद को पाक साबित करना चाहते हो? साइम खुदा के वास्ते ड्रामेबाजी बंद कर दो, किसी और जाके खेल दो। बताओ कि 5 weeks pregnant। तुम लोग इतनी रात को यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत से है। ये देख हम तेरे और होने वाले बच्चे के लिए क्या लेकर आए हैं। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। आप इतनी जल्दी वापस आ गए? नहीं, मैं अपना लैपटॉप भूल गया। तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया? वो मुझे ध्यान नहीं रहा। देख रहा हूं आजकल तुम्हारा ध्यान घर से ज्यादा बाहर लगने लगा। मैं आपका बैग ले लूं? रहने दो, मैं खुद ले लूंगा। किसका फोन था? वो भाभी का फोन आ गया था, बस इधर उधर की बातें। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस। सुमा बेगम, अब तुम मैं मियां से भी झूठ बोलने लगी। तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए हैं अस्मा बेगम, अपनों में आकर। मेरा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? तो फिर मुझे बताओ कि कल क्या हुआ था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बताओ, लेकिन कल को वो बात मेरे कानों में कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी, लेकिन तुम्हारी अहमियत और इज्जत घट जाएगी। मुनीर, बात ही ऐसी है कि ऐसी क्या अनहोनी बात हो, इतनी बातें तो हो रही है, एक बात और सही। वो मासी, मैं मतलब है सैर प्रेग्नेंट। तो जो बीज बोया था उसकी फसल तो काटनी है ना, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ये एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैं साइट पे होके बैठ गया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस कीचड़ के थप्पे हमारे दामन को भी खराब करते। ये हमजा भी ना जाने सुबह सुबह कहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, कैसी है? अकेली आई है? हाँ, वो उनको कुछ काम था, वो बाहर से ही चले गए। अच्छा ठीक है, बैठ तो। सब लोग कहाँ है? हमजा को देखा मैंने बाहर, अभी छुट्टियाँ खत्म हो गई क्या उसकी? बच्चे जब खुद मुख्तार हो जाते हैं ना तो अपनी मनमानी करने लगते हैं। गया होगा दोस्तों। क्या हुआ अम्मा, कोई परेशानी की बात है क्या? अरे वही मनहूस चुड़ैल पीछे लगी है, जान छोड़ के ही नहीं दी है उसने। फिर क्या, मैंने तो साफ मना कर दिया, मजनू बना फिर रहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा जल्दी इसकी शादी करा दे। बस गफलत हो गई, अब तो मैं भाई साहब से बात करके ही रहूंगी। अम्मा जितनी जल्दी हो सके ना इस मसले को हल कर, कल को कोई दूसरी आ गई ना तो आप सबको घर से बाहर निकालने में जरा टाइम नहीं लगाएगी। इकलौता कमाने वाला है, अगर ये भी हाथ से निकल गया ना तो सोच ले फिर। सही कह रही है तुम, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी। खैर कुछ खाएगी? ले ये चाय पी ले, मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं, मैंने अभी अभी बनाई है, नहीं पी है मैंने, तू पी। ग्यारह बज गए,
इतनी देर तक सो रही थी, अब तक तो साइम ऑफिस भी चले गए होंगे। इतने मैसेजेस करके रात भर मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन साइम मजाल है जो एक भी रिप्लाई किया हो। जाने रात भर दोनों सास बहू ने क्या क्या पट्टियां पढ़ाई होंगी साइम को। इस घर में रहने के लिए मुझे साइम को अपनी मुट्ठी में रखना होगा, ताकि ये दोनों औरतें साइम से अपनी पसंद का फैसला ना करवा सके। लेकिन कैसे? साइम तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते, और वो डॉक्टर ने जो हर वक्त उनके सर पे सवार रहती। मैं समझ सकती हूँ तुम किस कर्व से गुजर रही हो। काश उसे महसूस करने की हैसी काम करना छोड़ दे। तुम क्यों खुद के लिए इतनी गलत बातें सोच रहे हो? घर छोड़ के जाने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। वापस आकर मैंने अपने साथ नाइंसाफी की है। नहीं, तुमने वापस आके बहुत अच्छा फैसला किया। तुम क्यों खुद की जगह पे किसी और को कदम जमाने का मौका दे रही हो, वो भी उस मासी को? उल्टा तुम उसे घर से निकालो। कदम तो वो अपने जमा चुकी है। जब अपना शौहर ही भट जाए तो फिर उस घर में मेरे लिए रहता क्या है? तो मतलब तुम अपने शौहर को उसके आगे तोहफा बनाकर पेश करने का इरादा रखती हो? अगर मेरे इरादों का अमल दखल होता तो क्या मैं कभी इतनी बुलंदी से नीचे गिरती? खैर, बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ, खुद की जगह छोड़कर कहीं मत जाओ। ये वो जमाना नहीं है, यहाँ पे खाली जगहें बहुत जल्दी फिल हो जाती है, और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता हमारे पास। पछतावे से बढ़कर एक चीज है, मेरे एतबार के टूटने का जो जहर है ना, वो मेरे वजूद में फैलना शुरू हो गया है। रोज जब मैं उठती हूँ मुझे लगता है कि मैं हजारों मौतें मर रही हूँ। जी रही हूँ तो अब अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए। बस आपा, अब जितनी जल्दी हो सके ना उस लड़की को तलाक दिलवा के इस घर से बाहर कीजिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उसकी सौकन के सामने जलते कुड़ते नहीं देख सकती। आंटी वैसे बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, जितनी जल्दी ये मामला खत्म हो उसी में हम सबकी भलाई है। ये लोग फिर आ गए। कौन लोग? ये सब लोग फिर इकट्ठा हो गए। बाजी ने सबको बुला लिया ताकि आपको मजबूर करके मुझसे तलाक दिलवा सके। साहिब, आप इनकी बातों में नहीं आएंगे ना? साहिब देखे, अगर आपने इनकी बातों में आकर मुझे तलाक दे दी ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि मेरे जीते जी ये लोग मुझे आपसे अलग नहीं कर सकते, मरने की बात कर सकते। साहिब आप मुझे तलाक मत दीजिएगा प्लीज, मैं मर जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो आपके अलावा कोई है भी नहीं। सैम प्लीज, आप इनके कहने से मुझे तलाक मत दीजिएगा। सैम प्लीज करियो तुम, प्लीज मुझे तलाक मत दीजिएगा, इनकी बातों में मत आइएगा प्लीज। सैम मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। सैम प्लीज। हम जो भी कहें ना
कोई फायदा नहीं, बिल्कुल फिजूल, इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जब निकाह साइम ने किया है तो अजाला भी इसी को करना चाहिए ना। समझ में आ रहा है तुम्हारा ये सब क्या कह रहे हैं? जो कुछ तुमने उलट पलट किया है उसको दुरुस्त करना भी तुम्हारा काम है, समझ गए? क्या ख्याल है मेरा, तुम्हारा क्या फैसला? एक गुनाहगार को गुनाहगार कह के कुछ नहीं होगा, इससे उसकी गलती थोड़ी मिट जाएगी। गुनाहगार गुनाहगार गुनाहगार, तंग आ गया हूं ये लफ्ज सुन सुन के मैं। हाँ हाँ, हो गई मुझसे गलती, हो गया एक गुनाह, हाँ मैं गुनाहगार हूं। सुकून मिल गया ये सुन के, लेकिन अगर आप लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप चाहते हैं कि मैं सहर को तलाक दूं तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो मेरे होने वाले बच्चे की मां है और मैं उसके साथ ऐसी ज्यादती नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है और इसी घर में रहेगी, सुन लिया आपने? आज साइम से बात करके मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ भेजकर बहुत गलत फैसला किया। मुझे यहाँ नहीं भेजना चाहिए था तुम्हें। तुम चलो मेरे साथ और रहने दो उसे यहाँ पर उस मासी के साथ जिसे वो तलाक देना नहीं चाहता। मम्मी ठीक कह रही है मीरा, और तुम कोई लावारिस नहीं हो जो यहाँ पर सब कुछ बर्दाश्त करती रहोगी। उठो चलो अभी हमारे साथ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बेटा सिद्ध नहीं करते प्लीज। मम्मी अब तो वाकई जिद है, मैं इतनी आसानी से घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिस इंसान ने मेरे बच्चों के हुकूक पे डाका डाला है मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जीतने दे सकती हूँ? और साइम ने जो ये फैसला किया है उसे ना छोड़ने का, मैं उन्हें इसी फैसले पर पछताते हुए खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। सिर्फ तभी मुझे सुकून मिलेगा। इस तरह तुम अपने आप को अजियत दोगी और खुद से दुश्मनी लेने का क्या फायदा? अब अजियत की किसे फिक्र है समान? खुद पर जुल्म मत करो बेटा, ये जो तुम्हारी जिद है ना सिवाय अजियत के कुछ नहीं देगी तुम्हें। प्लीज अम्मी, मैं नुकसान और फायदे को ना कहीं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। अब लड़ाई मेरे बच्चों के हुकूक की है, लेकिन आप फिक्र मत करें, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं।
सब पता लगा लिया मैंने। वो मासी बिल्कुल ठीक कह रही थी, साइम सर ने रात के अंधेरे में उससे निकाह पढ़ लिया है। और तो और बात इतनी फैल गई है कि उनके बेटे हसन को भी उस स्कूल से निकालना पड़ा। अब बेचारे हसन के लिए कहीं और एडमिशन की बात कर रहे हैं। ठरकपन की भी कोई हद होती है, मासी से निकाह? यार मैं तो साइम सर को बड़ा शरीफ इंसान समझता था, लेकिन जब ऑफिस की कहानी मैंने अपनी बीवी को सुनाई, वो तो मेरे सर हो गई। सबसे पहले रिजाइन करो और दूसरी जगह नौकरी ढूंढो। जब ऑफिस का बॉस ये हरकत कर सकता है तो तुम्हारा क्या भरोसा? मोहब्बत का जादू चल रहा है। मिल गई फुर्सत तुझे फोन देखने की। हाँ बहन, अब तेरी तरह महल में ऐश तो नहीं कर रही ना, काम कर रही होती हूँ। उससे ऐसी सास मिली है कि बस मत पूछ, मेरी छींक पे भी इसकी नजर होती है। देख समीना, ये सारे ड्रामे तो अपनी सास को दिखा, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ तू कैसे अपनी सास को भाव देती होगी। चल नहीं बनती, तू बता क्यों बार बार फोन कर रही थी? इतनी कॉलें देके मैं तो परेशान ही हो गई। मेरी तो जान पे बनाई थी, इसीलिए तुझे और अब्बा को कॉल करी थी, लेकिन मजाल है कि तुम दोनों में से किसी ने फोन उठाया हो। फोन की आवाज बंद रखती हूँ और बाहर काम कर रही थी। तू बता क्यों अब्बा और मुझे कॉले कर रही थी? वो बुढ़िया है ना, उसने फिर सबको इकट्ठा कर लिया था मुझे तलाक दिलवाने के लिए। हाय रब्बा, फिर क्या, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। जले पैर की बिल्ली की तरह तुझे और अब्बा को कॉल करने लगी, लेकिन तुम लोगों ने तो फोन उठाना नहीं। वो तो अच्छा हुआ ऐन वक्त पर सायम आ गई, और उनके सामने रोना धोना करके उन्हें खुदकुशी करने की धमकी देकर तलाक से जान छुड़वाई। बहन ये राम कहानी बाद में सुनाना, ये बता फिर आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ ना मेरी जान, वो तो देखकर मैं भी दंग रह गई। भाई जल्दी बता, मुझे तो ऐसी दूर जाता लग रहा है। साइम ने सबके सामने मुंह भर के कह दिया कि वो मुझे यानी सहर को किसी सूरत तलाक नहीं देंगे। हे वाकई? अरे तेरी कसम, झूठ बोलो तो तू मर जाए। शुक्र है इसी का आसरा सलामत है। बड़ी ही लालची है, यहाँ बहन की जान पे बनी हुई है और तुझे एसी की सूझ रही है। बीबी एसी की सलामती में ही तेरी सलामती है। देख तू वहाँ बनी रहेगी तो ही तो हमारे दिन फिरेंगे। कहते तू बिल्कुल सही रही है, लेकिन ये हुआ कैसे? उस दिन तो साइम के मुंह से तलाक निकलने वाली थी, आज ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत मेरी जान, ये सारा मोहब्बत का कमाल है। अब भला मेरे जैसी प्यारी ख्याल रखने वाली बीवी साइम को कहीं मिल सकती है? और दूसरी तरफ वो मीरा सारा दिन साइम को जलील करती रहती है, जैसे उसने मेरे साथ निकाह करके कोई गलती कर दी हो। छोड़, बेवकूफ औरत है, अपना ही नुकसान कर रही है। बस मुझे उसकी इसी बेवकूफी का फायदा उठाना। बिल्कुल, और साइम को तूने इसी तरह मुट्ठी में रखना है ताकि तेरे एक इशारे पर वो इस मीरा को घर से चलता करे। ऐसा ही करूंगी मैं। यार वैसे क्या ही सीन होगा ना, साइम ने कहा होगा कि वो तुझे तलाक नहीं दे रहा। ऐसा वैसा ऐसा मजा आया कि सबका मुंह खुला का खुला रह गया था, ऐसे कि जैसे दिन में तारे देख लिए हो। काश मैं भी होती वहां पे, बड़ा मजा आता। हाँ तो और ना उठा मेरा फोन। चले जाओ यहाँ से साइम। मम्मी आप भी मेरे साथ ऐसा करें, गैरों वाला सलूक। मेरी बात तो सुन लें, मुझे भी तो समझें। समझने समझाने का वक्त गुजर चुका है साइम। तुमने पहले अपनी मनमानी करके हम सब के चेहरों पर कालक पोत दी,
अब अपने गुनाह का इजाला करने के बजाय उसको हमारे सरों पर मुसल्लत करने की ठान रखी है, तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारी नजर में माँ की कोई अहमियत है? ऐसा तो ना कहें अम्मी, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा हैं। तो फिर क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी? क्यों तुमने सबके सामने शर्मिंदा किया मुझे? मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, और ये गलती का एहसास मुझे अंदर ही अंदर मारे जा रहा है। अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते उसे? सर का ताज बना के क्यों रखा हुआ? क्योंकि एक गलती मैंने की और उसकी सजा मेरे सामने। आप सबकी नजरों में गिर गया, इसे बढ़कर मेरे लिए क्या सजा हो सकती है? लेकिन अब उसे इस हालत में छोड़ के मजीद एक और गलती नहीं करना चाहता। जिस इंसान का साथ एक बदनुमा दाग हो, उसे छोड़ने में कबाहत क्या है आखिर? वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है। गुनाह और सवाब के इस खेल में उस बच्चे का क्या कसूर है? क्या उसकी दुनिया में आने से पहले ही उसके माथे पे एक दाग लगा दूं? गुनाह तो मैंने किया है ना, मुजरे मैं हूं और सजा मुझे मिलनी चाहिए, उसे नहीं। तो फिर क्या करना चाहते हो तुम? बस थोड़ा सा वक्त चाहिए अम्मी, जब तक वो मेरे बच्चे को जन्म ना दे दे। मैं उसके बाद उसे तलाक दे दूंगा। अम्मी उस वक्त मैंने आपकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि मैं मजीद गुनाह नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं अभी, मुझे मजीद पराया मत करें। मैं बिल्कुल तन्हा हूं, ऐसा ना हो कि ये एहसास गुनाह मेरी जान ही ले ले। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। उसकी बकवास सुनकर ना जी चाहता है कि काम डाउन। मैं अगर यहां अभी मौजूद हूं वो एक ही वजह से है, आपकी शिकस्त देखना चाहती हूं। मेरी उतरन पहनने वाली, मेरा झूठा खाने वाली, कभी मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। चोरी और सीना जोरी, हमारी जिंदगी को मुसीबत में डालने के बाद सायम मियां कहते हैं वो तो शहर को तलाक देंगे ही नहीं। सायम की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। दरअसल गलती हमारी ही है नायला, हमें मीरा को कभी वापस घर लाना ही नहीं चाहिए था। उसका ये अलैदगी का जो फैसला है ना, बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ तो ये भी तो सोचिए, इन सब में सबसे बड़ा नुकसान तो मीरा का ही हो रहा है। और वहां मुनीर ने बेचारी अस्मा की जिंदगी तंग कर रखी है, लेकिन सायम को तो किसी की परवाह ही नहीं। उसकी बकवास सुनकर ना जी चाहता है कि काम डाउन। आपके गुस्सा करने से तो मामलात और बिगड़ जाएंगे, पहले ही दिलों में फर्क आ गया। आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि रिश्तों का लिहाज ही खत्म हो जाए। ठंडे दिमाग से सोचिए ना, आप तो बड़े हैं, आप कोई हल निकालें इस बुरहान से हम सब निकल सके। नायला, जब गुनेगार अपनी इसलाह ना करवाना चाहता हो तो तुम और मैं तो फकत बातें ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है इस मसले का हल कैसे होगा।
क्या कह रहा है मेरा बेटा? बाबा, मैं घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बार बार टूट जाता है। चलो मैं अपने बेटे की हेल्प करता हूँ, फिर नहीं टूटेगा। रियली? आप मेरे साथ घर बनाने में मदद करेंगे? हाँ, लेकिन पहले जाके दादी की बात सुन, बुला रही हूँ। अपना कमरा छोड़ के यहां आसन के कमरे में आ गया। मीरा, मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं। अब अगर मैं शहर को तलाक दूंगा, किसी और औरत को अपना लूंगा, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं करीब आऊं तो यह ना थी तुम्हें दम घुटता था। तो फिर ऐसे इंसान के लिए अपने आंसू क्यों बहा रहे? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मर चुकी वो मोहब्बत साहब, मैं आंसू इस गम में बहा रही हूं कि मैंने आपको कभी काबिले एतबार समझा, उससे ज्यादा आपको चाहा। और आप, मैं अगर यहां अभी मौजूद हूं वो एक ही वजह से है, आपकी शिकस्त देखना चाहती हूं। आपने जो फैसला किया है, मैं आपको उस फैसले पर पछताते हुए देखना चाहती हूं। पछता ही तो रहा हूं, तुम्हारा हसन मुझसे दूर हो गया। मेरा, मैं अपने होने वाले बच्चे को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। ये समझो इस बात को यार। देखो यार, मैं शहर को छोड़ दूंगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप अपना मकाम खो चुके हैं साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, वक्त भी नहीं। बड़ी चलाक बुढ़िया है अब्बा, इस डर से कि कहीं हम आ ना जाएं, ये छुपके करवा रहे थे। वो तो साइम, अब्बा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। कोई काम है अम्मा? क्यों, अब मुझे अपने घर की दहलीज भी तुझसे पूछ के पार करनी होगी क्या? हुँ? एक बात बता, ये घर मेरा है, मैं जब आऊं जहां आऊं तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? ये हर वक्त फोन पे क्यों चिपकी रहती है तू? हुँ? ये मोहल्ले की औरतों को ही देख ले, वो घर के कामों के साथ कैसे जुड़ी रहती हैं। तुझे तो जब देखो फोन के साथ जुड़ी है। तो तेरे माँ बाप को और कोई काम काज नहीं है क्या? काम काज तो मैं भी करती हूँ अम्मा, पर तुझे दिखे तब ना। ये जो तू जुबान चलाती है ना, इससे ज्यादा अगर हाथ चला लेना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हर वक्त जुबान चलाती है, कोई एहसास जिम्मेदारी है तुझमें या नहीं? जब देखो फोन के साथ चिपकी रहती है। बच्ची खाने में इतने सारे बर्तन पड़े हैं। मीरा के लिए मेरा दिल बहुत दुख रहा है। इस साइम ने उस मासी को तलाक ना देने का जो फैसला किया ना, बहुत गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, कितना हर्ट किया है ना साइम भाई ने। सबको शर्मिंदा करवा के रख दिया उस दो कौड़ी की मासी के पीछे। वैसे मीरा को भी तो हमारे साथ आ जाना चाहिए था ना, पता नहीं क्या ठान के वहां पर बैठी हुई है। वहां पे रहने का मतलब है अपने आप को तकलीफ देना और बस। अम्मी, मीरा बहुत समझदार है, उसने वहां रुकने का फैसला किया है तो जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी।
मैं तो अल्लाह से हर वक्त यही दुआ मांगती हूँ कि मेरी बच्चियाँ अपने घरों में खुश रहें। अरे मैं सोचती कुछ हूँ और हो कुछ जाता है। अम्मी आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बस एक ही दुआ है मेरी, अल्लाह मेरी मीरा की खुशियाँ उसे लौटा दे। बस ये बताओ कि हमजा की कोई खबर? लीव पर है, ऑफिस नहीं आ रहा। बात हुई थी तुम्हारी उससे? अपनी अम्मी के रवैये के लिए एक्सक्यूज कर रहा था। समन बेटा, कोई भी फैसला करने से पहले ना बहुत सोच समझ लेना। अभी तो मैं एक बच्ची के लिए परेशान हो रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी के लिए भी परेशान होना पड़े। अम्मी आप परेशान मत हो ज्यादा, चाय पिए अपनी, सब ठीक हो जाएगा। बेहतर कर दे पाक परवरदिगार। हमजा बेटा, ये ऑफिस से आते वक्त ये सामान लेते हुए आना। वैसे तो सारे मेहमान जा चुके हैं, लेकिन जो है उनका तो एहतमाम करना है ना, लेते आना। अम्मा। हाँ बोलो। आपने कल फरह से ऐसी बातें क्यों की? कैसी बातें? ओ अच्छा वो भाई, इसमें ऐसा क्या हो गया? आगे चल के सारे काम उसी ने तो करने तुम्हारे। अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? मैंने आपको समन और उसकी फैमिली से मिलवाया था ना शादी के सिलसिले में। किस सिलसिले में? मेरी और समन की शादी के सिलसिले में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना वो लड़की ना वो फैमिली, मुझे दोनों पसंद नहीं है और मैंने सज्जाद भाई को हाँ करने का फैसला कर लिया है। तो ठीक है, फिर मैंने भी समन से शादी करने का फैसला कर लिया है। तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक किसने दिया? अम्मा मैंने समन से शादी का वादा किया है। मुझसे पूछ के वादा किया था तुमने? शादी तो मैं समन से ही करूँगा, अगर समन नहीं तो कोई नहीं। अब आप ये तय कर लें कि आपको अपने बेटे के सर पे सहारा देखना है या नहीं। हमजा? मीरा बेटा, तुम्हें यहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है मेरी वजह से, माफ कर दो मुझे। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार मत करें। नहीं बेटा देखो, मुझे भी सैम पर उतना ही गुस्सा है जितना तुम्हें है। शायद तुम्हें ये बात सुनकर ये लगे कि मैं अपने बेटे की तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि वो कितना परेशान रहने लगा है। अपनी गलती पर वो अंदर ही अंदर खुलता जा रहा है बेटा, और गलती भी तो उसने इतनी बड़ी की है कि यकीन करो कि जब उसने ये कहा कि वो तलाक नहीं देगा तो मुझे भी उतना ही गुस्सा आया था, बहुत सख्त गुस्सा आया था मुझे। लेकिन उसकी ये बात भी सही है कि इस सारे किस्से में उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है, उसको किस बात की सजा मिले। फिर ये है कि हम उस मासी और उसके खानदान से कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि उस बच्चे को सही तरीके से पाल लेंगे। मीरा बेटा, इस घर पर
सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है। किसी और को ये जगह नहीं लेने दो। साइम कह रहा था कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद उस मासी को तलाक दे देगा, तो बेटा बस उस वक्त तक के लिए बर्दाश्त कर लो मेरा, सिर्फ उस वक्त। मेरी इल्तिजा है तुमसे, प्लीज। अब तो बर्दाश्त संदेह का दूसरा नाम लगने लगा। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। बेटी होना आसान नहीं है। अपने से जुड़े रिश्तों को अपने लिए ही फिक्रमंद देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मम्मी परेशान है, पहले मीरा अब मेरे लिए। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। एहसान फरामोशी कोई शक्ल होती ना तो तुम उसकी बेहतरीन मिसाल होती। एहसान फरामोशी? एहसान फरामोशी कैसे? अब देखो ना, तुम खुद ही तो अपने पूरे घर को मेरे हवाले करके पुरसकून हो गई थी। अब ऐसे में अगर मैंने तुम्हारे पूरे घर के साथ साथ तुम्हारे शोहर को भी संभाल लिया तो इतनी जलन क्यों? दूसरों के हक पर डाका डालने वाले रखवाले और डाके में फर्क महसूस करने की सलाहियत नहीं रखते। मीरा, अब तुम चाहे जो भी कहो, पूरे घर के साथ साथ सुन तो तुमने भी लिया होगा, साइम मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या दुख हुआ? मुझे भी बहुत दुख हुआ तुम सबकी रोती हुई शक्ल देखकर। जीत का जश्न इतनी जल्दी मत मनाओ, ऐसा ना हो कि कुछ गैर मतवक्को हो, तुम सह ना सको और अपनी बाकी की जिंदगी किसी पागल खाने में गुजार दो। छोड़ दो ये बातें, सच का हाथ थामो। और तुम्हें पता है क्या, मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा दिमाग उलट गया है। अब देखो ना, साइम ने तो तुम्हें पहले ही कमरे से निकाल दिया था, अब कुछ ही दिनों में तुम इस घर से भी बाहर होगी। इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ मेरा और मेरे बच्चे का हक है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाँ हाँ, ख्वाब देखो, कोई पाबंदी नहीं है ख्वाब देखने पर, देखो। लेकिन जब ख्वाबों की खर्चियों से अंधी हो जाना तो मुझे जरूर याद करना। अब तक मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब बात मेरे बच्चों के हुकूक पे आ गई तो तुम और तुम्हारा लालची खानदान भूल जाओ कि तुम्हें यहां से कुछ मिलेगा। सच बहुत जल्द सबके सामने खुद ही आ जाएगा, तब यहां कौन से निकलता है वो हम दोनों देख लेंगे। मेरी उतरन पहनने वाली, मेरा झूठा खाने वाली कभी मेरी बराबरी कर ही नहीं सकती। कल तक तुम्हारी हैसियत इस घर में एक मुलाजमा किसी थी, आज तुम्हारी इस घर में एक मुलाजमत इतनी इज्जत भी नहीं है। खुदा गुजरा तो
कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे दिल के गमों से हम कैसे उभरे मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना मैंने ये ना पहचाना मेरे खुदा